वही दिनेशपुर में अवैध शराब और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने गांव के लिंक रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी। ग्रामीणों ने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे सड़क पर खेलते हैं, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से SSP कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छोटे छोटे बच्चे पहुंचे सड़कों पर और उन्होंने आवागमन को पूरी तरीके से बाधित कर दिया। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, भारी संख्या में वे पहुंचे हुए थे और जमकर विरोध किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर के एक छोटे से ही ग्रामीण क्षेत्र इलाके में, दुर्गापुर में, जहाँ पर स्थानीय ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है आखिरकार किस लिए हो रहा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? एक तो प्रदर्शन इसलिए है कि हमारे गाँव के अंदर दारू बिक रही है, कच्ची दारू बेच रहे हैं और बिल्कुल रोड के ऊपर होटल बना के, और पूरा गांव जब वहां से निकलता है, लड़कियां, औरतें, बच्चे जब वहां से निकलते हैं तो वहां पे जो दारू बेची जाती है वो बदतमीजी करते हैं। हम ये गांव वाले सब मिलके, छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा पिता दारू पीता है, दारू छुड़वाओ, ये दारू बंद करवाओ। और ये दारू से पूरा गाँव परेशान है, हर बच्चा, हर नारी ये दारू से तंग है आज 20 साल से, और इस गाँव में बहुत बुरा हाल है। 15-15 साल के लड़के, 16-16 साल के लड़के दारू पीने लग गए हैं। हम जो ये ग्रामीण, पूरा दुर्गापुर एक नंबर और बक्सोरा की ग्राम सभा के लोग इकट्ठे होकर दारू के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि सर, हमारी अपील है सरकार से कि हमारी दारू ये गांव में बंद करवाई जाए, जो कच्ची दारू ये बेच रहे हैं जो। और दूसरा ये है कि हमारे गाँव में, हमारे गाँव की 12 फीट की रोड है, और ये जो रोड है हमारी 12 फीट की, ये ना ट्रांसपोर्ट, सारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ ये हमारे यहाँ से निकलती हैं, और दिल की 100, 200, 300, 1000 के हिसाब से गाड़ियाँ निकलती हैं। और हमें ये लगा हुआ है डर कि ये गाड़ी किसी बच्चे को ना मार दे, जहाँ किसी का कोई नुकसान ना कर दे। कई बार घरों में ये गाड़ियाँ घरों में घुस चुकी हैं, और यही हमारा निवेदन है कि ये गाड़ी जो है हमारी इस रोड से ना निकलें। और यहाँ तक यहाँ हुआ है, कईयों का साइकिल तोड़ दिए गए, हमारी गाँव की नालियाँ तोड़ दी गई, और कई लोग मर भी गए यहाँ पे, और तब भी ये गाड़ियाँ बंद नहीं हो रही। हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि हमारा ये विज्ञापन हमने दे रखा है, थाने से आए हुए हैं हमारे भाई, और हमने विज्ञापन दे रखा है, एक रोड के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दारू के लिए, ये दोनों चीजें हमारी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो ये जो शिकायतें हैं, लगभग काफी दिनों से ये शिकायतें आ रही है, इसको लेकर के आपने पहले भी कहीं विभाग के आला अधिकारियों से बातचीत की या शिकायती पत्र सौंपा? हाँ, उससे पहले एक दो बार कर चुके हैं गाँव वाले। हमारी जो यहाँ की महिलाएं संगठन है जो, वो 2 बार शिकायत जाके SP के वहाँ भी जाके की है, और यहाँ के दारू वाले भी बड़े ऐसे हैं, 100-100 मुकदमा इन्होंने इसके ऊपर लगा चुके हैं, पर ये बंद नहीं कर रहे। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनके ऊपर इनका अच्छा मुकदमा लगाया जाए, और जिनकी इनकी जमानत ना हो, और ये दारू बंद कराई जाए अभी अभी फिलहाल में ही। अभी एक हमारे यहाँ बिल्कुल शहर के अंदर दुकान खोल के और वहाँ वो दारू बंदा बेच रहा है, हम उसके लिए आज विज्ञापन दे रहे हैं, उसकी दारू बंद कराई जाए। एक आपने अभी बात कही है कि ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो यहाँ पर चलती हैं, जो काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका आवागमन पूरे दिन भर यहाँ पे होता रहता है, तो जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आप आगे क्या कदम उठाना चाह रहे हैं? हमारी सुनवाई कहीं यहाँ नहीं होती है, हम ऊपर स्तर तक जाएंगे, हम DM साहब को देंगे विज्ञापन अपने यहाँ से। हम लोग कल ही अभी SO साहब से बात हुई थी कि हम अभी करीब 300-400 आदमी और हमारी महिलाएं हम थाने में आएंगे। SO साहब ने कहा है कि कोरोना चल रहा है, आप थाने मत आना, मैं स्टाफ के बंदे गांव में भेज देता हूँ। और हम विरोध करते हैं, कहीं हमारी सुनवाई यहाँ नहीं हुई, हम DM SP तक जाएंगे, कहीं DM SP का भी हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम देहरादून के लिए हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ से तैयार करके देहरादून जाएंगे। हम लोग, जैसा कि यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं, जो ये ट्रकों को बंद किया जाए और यहाँ की जो कच्ची अवैध शराब है उसको बंद किया जाए, कहीं ना कहीं ये मांग उनकी अगर पूरी नहीं हुई तो ये आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि शराब को रोकने में आबकारी विभाग कहाँ तक सफल हो पाता है, और ये जो ट्रकों की व्यवस्था है ये कब तक बंद हो पाती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं अजय कुमार, TV100 दिनेशपुर।